मंगलसूत्र के जो आखिरी चार मोती हैं, जो मंगलसूत्र की जो गाथा है 11 नंबर, उसके अनुसार फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं ऐतं मंगल मुत्तमं। फुट्टस्य का मतलब होता है लोक धम्मे ही। फुट्टस्य लोक धम्मे ही बहुत इंपॉर्टेंट मनकर मोती है। ये 35 नंबर का मोती आपकी जो मंगलसूत्र है उसका है। फुट्टस्य धम्मे ही का मतलब होता है लोक धम्मे ही। लोक माने शरीर और धम्मे ही माने शरीर के जो नियम हैं, जो प्रकृति ने नियम बनाए शरीर के वो, और फुट्टे सी माने उनका स्पर्श। फुट बोलते हैं स्पर्श को बोलते हैं, यानी कि जैसे ही ये जो नियम आपको स्पर्श करते हैं शरीर में, कौन से नियम हैं? एक होता है यस और अपयस, यानी कि आपको यस मिल गया, आपका गुणगान हो गया, मान सम्मान मिल गया, और एक आपकी बेइज्जती हो गई, अपयस मिल गया। एक है लाभ और हानि, यानी कि आपका कुछ लाभ हो गया या आपकी कुछ हानि हो गई। एक है आपका निंदा या प्रशंसा, किसी ने आपकी निंदा कर दी या आपकी प्रशंसा कर दी। और एक है आपका या तो सुख आ गया या दुख आ गया, यानी सुख दुख निंदा प्रशंसा यश अपशब्द और लाभ और हानि। ये चार प्रकार की जो चीजें हैं ये पूरी जीवन भर मनुष्य के साथ में चलती रहती हैं, उसको टच करती रहती हैं, छूती रहती हैं, स्पर्श करती रहती हैं, ये हर समय चलती हैं। कहीं लाभ हुआ, कहीं हानि हुई, कहीं यश हुआ, कहीं अपयश हुआ, कहीं निंदा हुई, कहीं प्रशंसा हो गई, कहीं पे थोड़ा सा कहीं सुख आ गया, कहीं पे दुख आ गया। तो ये जब आपको टच करते रहते हैं तो इसमें आपको एक समान रहना है। ऐसा नहीं है कि लाभ आया तो पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया और हानि हो गई तो पागलों की तरह रोना शुरू कर दिया, यश हो गया तो फूल के कुप्पा हो गए, अपयश हो गया तो रोना शुरू कर दिया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, या कहीं अगर किसी ने निंदा कर दी तो उसे बुरा मान के कभी बात नहीं की, और किसी ने प्रशंसा की तो उसी से चिपटे पड़े हैं। कहीं आपने को सुख आ गया तो आप लोटपोट हुए पड़े हैं, कहीं दुख आ गया तो पागल हो गए, एक कमरे में बैठे हुए हैं। ये चारों जो गतियां हैं, आठ जो कारण हैं, ये जीवन भर साथ चलते रहते हैं। इसमें एक सा रहना चाहिए, ना सुख को सुख मानना चाहिए ना दुख को दुख। ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। ये है आपका मंगलसूत्र का 35वां मनकार। अशोकम, अशोकम का मतलब है अशोक। शोक माने जो दुख में रहता है, संतप्त रहता है, सोरो में रहता है। तो दुख में नहीं रहना चाहिए, अशोकम होना चाहिए। हर चीज को समता से देखना चाहिए, तो अशोकम होना चाहिए जिसको शोक ना हो। यह है मन का नंबर 36। और विरजंग, विरजंग का मतलब है जो रज बोलते हैं उसको बोलते हैं धूल, और धूल के कण इसको रज बोलते हैं। और विरज का मतलब है बिना धूल के कण का, यानी कि कोई धूल का कण नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा निर्मल रहना चाहिए, कोई भी आपके ऊपर मल नहीं आना चाहिए, आपके मन में कोई मल नहीं आना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, विरज होना चाहिए। रज माने धूल है और मल माने गंदगी है, यानी निर्मल का मतलब है बिना मैल का और विरज का मतलब है बिना धूल का। ये है मन का नंबर 37। और लास्ट 38 है खेमंग। खेमंग का मतलब है शांति को, यानी शांति से शांति को। तो खेमंग का मतलब है कि आपको शांत रहना चाहिए, बिल्कुल जीवन में कूल रहना चाहिए, समता से रहना चाहिए। ये 38 बातें जो जीवन में उतार लेगा, जो जीवन में धारण कर लेगा, जो जीवन में अपना लेगा, उसका हमेशा लाभ होगा। जो कि इस सूत्र में कहा है, जो मंगल मुत्तमंग का 12वां सूत्र है, ऐता दिशानी कतवान। ऐता दिशानी कतवान का मतलब है ऐसे इस दिशा में जो करेगा, सबत्तम पराजिता, वो सब तरफ से सर्वत्र से अपराजित रहेगा, यानी उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, चारों तरफ से अपराजित रहेगा। सबत्त सोती गच्छन्ति, चारों तरफ से सोती माने स्वस्थी, यानी लाभ होगा, कल्याण होगा, चारों तरफ से सर्वत उसका क्या होगा, कल्याण होगा। गच्छन्ति माने होता है। तंग तेसंग मंगल मुत्तमंग इति, यह जो करेगा उसका मंगल मुत्तमंग होगा, यानी मंगल में उत्तम होगा, मंगलों में सारा उत्तम है। ये मंगल सूत्र है, आपने ये 38 मोती आप हमेशा अपने साथ रखें, जीवन में आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत्र पे हाथ डाले
तो हीरो को गुस्सा आ जाता है। जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगलसूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए। ऐसी महिमा मंडित करके मंगलसूत्र की डालते हैं ताकि मंगलसूत्र बिके और व्यापार चले, क्योंकि मंगलसूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगलसूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल, और सूत्र यहाँ बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन, ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की। काले मतलब काले लोग होते थे, इसलिए काले हैं। और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया, तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगलसूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी, जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी, तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस लेते रहें या जीवित रहें। तो वो जो मंगलसूत्र हैं या महामंगलसूत्र हैं, वो सारे मंगलसूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से
भगवतो अरहतो सम्मसंबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मसंबुद्धस्स।